गेट के लिए अभी से अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फ्रॉम टुडे, तो ये सेशन खत्म होते ही अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी? व्हाट शुड बी स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी के लिए आप लेवल वन वाले सब्जेक्ट्स तो करके ही जाओगे। तो लेवल वन में मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट रखे हैं जो बिल्कुल हाई वेटेज सब्जेक्ट है? कौन से हाई वेटेज सब्जेक्ट है? पहला इन्वायरो, दूसरा सॉइल, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, चौथा मैथमेटिक्स, पांचवा जनरल एप्टीट्यूड। अगर आपने ये वाले पांच टॉपिक कर लिए, देयर वेटेज इज मोर देन 50%, इनका वेटेज 50% से ज्यादा है, तो ये दोनों मिला के ही हो जाते हैं 26-27%। तो इन दोनों को मिलाओगे, एनवायरमेंटल सॉइल को, यही 25-26% हो जाते हैं, तो इनकी वेटेज 50% से ज्यादा निकल के आ जाती है। अगर लेवल टू वाले टॉपिक रखोगे, सो लेवल टू, अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दी सब्जेक्ट्स, और ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने करा रखे हैं, ऑल दी सब्जेक्ट्स आई हैव डिस्कस, 60 से भी ज्यादा आ सकता है, तो ग्रेटर देन 50, 60 से ज्यादा ही बोला, तो 60 से भी ज्यादा आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने फिक्स वैल्यू नहीं लिखी। लेवल टू में कौन कौन से करोगे? छठा टॉपिक, सातवां टॉपिक, आठवां, नवां, दसवां, इसके बाद आती है हमारी FM प्लस OCF, फिर आती है हमारी सर्वेइंग, फिर आती है हमारी सॉम, देन वील गो फॉर सॉम, देन वील गो फॉर इरिगेशन प्लस हाइड्रो, इरिगेशन प्लस हाइड्रो, देन वील बी गोइंग फॉर RCC, स्टील और स्ट्रक्चर। एक टॉपिक है आपका BMC, वी है BMC ऑल्सो। सब्जेक्ट के सीक्वेंस कौन से बेटा? सब्जेक्ट के सीक्वेंस ही तो लिखे हुए मैंने, ये सब्जेक्ट का सीक्वेंस ही तो बता रहा हूं मैं आपको। इनका जो सिलेबस है लेस देन 30% है, इनका जो सिलेबस है मोर देन 70% है, इनकी जो वेटेज है लेस देन 50%। अब देख लो स्मार्ट वर्क क्या होगा, मैं 30% से कम सिलेबस अगर कर लूं, ये वाले पांच टॉपिक कर लूं, मेरा 50% से ज्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा, मतलब मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो 30% से कम सिलेबस में 50% से ज्यादा नंबर मिल जाएंगे आपको, तो इसको हम करेंगे, विल बी डूइंग दिस। नेक्स्ट एक टॉपिक हमारा CPPM है, वन ऑफ द टॉपिक इज CPPM, तो वो CPPM भी कर सकते हो। एक सवाल आता है इसमें, विल बी कटिंग वन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रह गया, फॉर्म के साथ ही इंक्लूडेड है वो, इट इज मिक्स विद फॉर्म ओनली। तो अब FM OCF साथ साथ चलती है, इरीगेशन हाइड्रो एक साथ चलती है, फॉर्म और EM एक साथ चलते हैं, तो उसके पार्ट ही चलते हैं। अब ये मत बोला प्लास्टिक एनालिसिस छूट गया, वो स्टील के साथ ही है। सो प्लास्टिक एनालिसिस तो वो साथ ही चलता है इसके। तो मेरे हिसाब से आपको टारगेट बनाना है, आपको टारगेट बनाना है, 6 महीने बचे हैं आपके पास, 6 months आर लेफ्ट। अगर 6 महीने बचे हैं, अगर आप इन टॉपिक्स की बात कर रहे हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दीज टॉपिक्स, ये टॉपिक्स आपको 2 महीने में कंप्लीट कर लेने हैं। इन 2 months दीज टॉपिक्स आर टू बी कंप्लीटेड। 2 महीनों में अगर मैंने ये पांच टॉपिक कर लिए, 50% से ज्यादा सिलेबस मेरा कवर हो जाएगा। फिर मेरे पास ये वाले टॉपिक बचते हैं, इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट दीज टॉपिक्स, आई विल बी गिविंग 3 months, 3 महीने इनमें लगाऊंगा। आखिरी के 1 महीने आई विल बी डूइंग द रिविजन, अगर कोई सब्जेक्ट बच जाता है तो वो करूंगा, बाकी टेस्ट सीरीज करूंगा। सो फॉर लास्ट 1 month आई विल बी आइदर कवरिंग एनी ऑफ द टॉपिक विच इज लेफ्ट, और आई विल बी गिविंग द टेस्ट सीरीज, और आई विल बी गिविंग द 2 महीने में कैसे होंगे, 2 महीने में कैसे होंगे, तभी तो बोला बिल्कुल नेक टू नेक है, 8 घंटे 10 घंटे रोज लगाने पड़ेंगे। इसलिए मैंने ये सेशन ही कब से स्टार्ट किया कि अभी भी, अब ये पीक टाइम आ गया, दिस इज द पीक टाइम, तो 8 घंटे 10 घंटे कमर कस के बैठ के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके 2 महीने में पूरे होंगे। ये नोट्स बहुत बार पढ़ लिया है, बट माइनर चीजें भूल जाता हूँ, मोटी मोटी बात याद रह जाती है, फॉर्मूला भी दिमाग से निकल जाता है, एनवायरमेंटल एंड सॉइल तो बहुत बार पढ़ लिया है, उसको और बार बार पढ़ना है आपको। अगर आप छोटी चीज बोल रहे हो, उसका मतलब रिविजन ढंग से नहीं कर रहे हो, सिर्फ क्लास नहीं,
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लास 8 आवर्स, स्टडी 8 आवर्स, पढ़ना है 8 घंटे, 8 घंटे चीजों को समझना है, लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेक्चर। मेरा सोम एफएम हाईवे कंप्लीट हो गया है, सोम एफएम हाईवे तो सारे हाईवे को छोड़ के बाकी सारे टॉपिक तो छोटे छोटे किए आपने, एफएम वाटर रिसोर्स एनवायरमेंट। सो अकॉर्डिंग टू मी ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है आपके आखिरी वाले 6 महीने की, इसको फुलफिल करने के लिए इसी को ध्यान में रखते हुए कल आपका एक बैच लॉन्च हो रहा है। अगर आपका टारगेट नवंबर में एसएससी जेई है उसका भी कल एक बैच लॉन्च हो रहा है, तो अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो, पर अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो फुल फ्लेज। टेस्ट सीरीज आप 1 महीने पहले से देना स्टार्ट कर सकते हो अभी, क्योंकि टाइम बहुत क्रंच है, आपका फोकस नोट्स के ऊपर होना चाहिए, लेक्चर्स के ऊपर होना चाहिए, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस क्वेश्चन के पीछे मत भागना, जितने नोट्स में सवाल दे रखे हैं इट इज मोर देन सफिशियंट। अगर पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस क्वेश्चन के पीछे भागोगे खुद के ऊपर बर्डन ले लोगे। अगर आपने नोट्स को ढंग से पढ़ लिया, उसके अंदर वाले सवाल कर लिए, चाहे कन्वेंशनली सवाल क्यों नहीं है, आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी। तो इट डजेंट मैटर कि आपने पीवाईक्यू ज्यादा किए हैं या कम किए हैं। स्टेट ए गेट पैरल मुझसे नहीं होता सर, आपने ESEN गेट दोनों में टॉप किया है, पैरल बेटा तो आप अलग अलग तो चीज है ही नहीं, स्टेट ए और गेट अलग अलग कहाँ है, दोनों में सिर्फ नॉन टेक का ही तो फर्क है, द डिफरेंस इज ओनली ऑफ नॉन टेक, डिफरेंस तो आप क्रिएट कर रहे हो। जितने भी टेक्निकल एग्जामिनेशन है सबका सिलेबस सेम है सर, लास्ट 50 साल ए थे गेट, इस बार एक बैरल चल सकता हूं क्या? प्लीज बिल्कुल चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे एग्जाम में कौन से में नॉन टेक पीवाईक्यू कैसे करें? नॉन टेक पीवाईक्यू एग्जाम स्पेसिफिक होते हैं, बस दे आर एग्जाम स्पेसिफिक। कल RCC की टाइमिंग कितने हैं सुबह? बेटा ऐप पे देखो ना 11 बजे। अच्छा कल से जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें आई बी स्टार्टिंग दी RCC, तो उसमें मैं RCC स्टार्ट करूंगा। सेल्फ प्रिपेयर के लिए नोट्स फॉर ESEJEE मिल सकते हैं क्या? बिल्कुल मिल सकते हैं, मेरे ग्रुप पे अवेलेबल है, अकेडला ग्रुप का नाम है, मेरे को मैसेज कर देना टेलीग्राम पे आके, मैं ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, आई शेयर दी लिंक ऑफ द ग्रुप, वहां से आपको मिल जाएंगे। एमटेक करते हुए कर सकते हैं ESEE का प्रिपेयर? बिल्कुल कर सकते हैं, आप एमटेक देते हुए ESEE का प्रिपेयर कर सकते हो, जॉब में रहते हुए ESEE गेट प्रिपेयर कर सकते हो, बीटेक करते हुए ESEE गेट प्रिपेयर कर सकते हो, ड्रॉप करके भी ESEE गेट प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये चीजें मैटर नहीं करती, इन चीजों को अपने प्रिपरेशन में जो बैरियर है उसको बना के मत लाना कि नहीं मैं जॉब कर रहा हूं मैं तैयारी नहीं कर सकता। मैंने भी जॉब में रहते हुए तैयारी करी थी, पिछले साल मेरा गेट पे 50 नंबर आए थे, नाउ आई एम प्रिपेयरिंग विद जॉब सील BMC SACPM, ये सब्जेक्ट मैंने कर ली है। क्या किया है ये तुमने? ये देखो अभिषेक का, देखो क्या किया है इसने, भाई तुमने कुछ नहीं किया है, देखो कहां लिखा हुआ है मैंने सील BMC, एक सवाल आता है BMC से, स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 सवाल 3 सवाल आएंगे, CPM 1-2 सवाल आएंगे, कुछ भी नहीं किया तुमने अभी तक। तैयारी जल्दी, मतलब तैयारी की स्पीड बढ़ाओ, ये वाले टॉपिक के ऊपर फोकस करो। अब इस वाली लिस्ट में से मत उठाना टॉपिक, अब इस वाली लिस्ट में से उठाना टॉपिक। शैल वी गो फॉर फुल लेंथ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर सब्जेक्ट हैविंग लेसर वेटेज गिवन दैट टाइम इज वेरी लेस? जो भी कोर्स करना है फुल लेंथ कोर्स ही करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से पेपर में से कौन से सब्जेक्ट में से कितने लेवल का सवाल आएगा, तो तैयारी एक बार ही होती है, बार बार नहीं होती है। तो जो भी मैं करूंगा फुल लेंथ कोर्स ही करूंगा, कोई शॉर्टकट नहीं होता तैयारी का, कोई क्रैश कोर्स में तैयारी करके पेपर नहीं निकाला जा सकता। मैं भी क्रैश कोर्स लॉन्च करूंगा आगे, पर क्या बोल रहा हूं, क्रैश कोर्स नहीं, वो क्रैश करवाता है। इन चीजों को करने में 10 महीने लगते हैं, 8 महीने लगते हैं, 6 महीने में मैं बोल रहा हूं फुल फ्लेज्ड, आपको अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन की बात आएगी वहां पे अच्छी रैंक से। सर आपने जॉब में रह के कैसे तैयारी की थी? बट टाइम निकालता था खुद ही मैं, कहना स्किप सब सब्जेक्ट, हाँ बिल्कुल स्किप कर सकते हो, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट BMC छोड़ सकते हो, BMC को छोड़ सकते हो, स्टील और स्ट्रक्चर में से एक छोड़ सकते हो, तो ये एक एक दो 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 नंबर वाले सवाल आते हैं इसके अंदर से। FM सील RCC और ऐसे बाकी है, स्पीड ठीक है, बहुत बढ़िया स्पीड है। देखो आपके जो लिस्ट 2 वाले ये सब्जेक्ट बचे हुए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मेरे नोट से आते हैं, बिल्कुल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नोट से आएंगे, क्योंकि सब कुछ कवर करा देता हूं मैं, तो जो मेरे नोट्स हैं वो हर एग्जाम के लिए सफिशियंट है, चाहे आप AEJEE दो, चाहे आप गेट दो, चाहे आप ESEE दो, चाहे UPSC का सिविल सर्विसेज दे दो आप। रिवीजन के लिए कुछ बोलिए, रिवीजन बेटा बताया ना मैंने,
फॉर रिवीजन, रिवीजन की स्ट्रेटेजी, अगर आप रिवीजन की स्ट्रेटेजी मांग रहे हो, रिवीजन होगा डेली, डेली रिवीजन करेंगे 20% ऑफ स्टडी टाइम, 20% ऑफ स्टडी टाइम डेली, गांठ बांध दो, डेली रिवीजन करना है। डेली खाना खाते हो, डेली पानी पीते हो, डेली सोते हो, डेली फ्रेश होने जाते हो, डेली रिवीजन करना है। ये सारी चीजें करना भूल जाओ, रिवीजन करना मत भूलना, रिवीजन करना ही करना है। पहले करना है रिवीजन 20% ऑफ योर स्टडी टाइम, फर्स्ट 20%, इसको भी हाईलाइट करके लिख रहा हूं, पहला 20% आपको टाइम रिवीजन में देना है, इसको हाईलाइट किया है फर्स्ट। तो रिवीजन करने के बाद अगर आपका मन नहीं लगे पढ़ाई में, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर रिवीजन होनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजी है हमारे रिवीजन की, दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ अवर रिवीजन। सो माय क्लास वाज बीइंग शेड्यूल्ड, मैंने क्लास शेड्यूल करी है। मैथ्स के लिए बेस्ट एजुकेटर है ना यार हमारे पास, उमा सर है बेस्ट एजुकेटर, पूरे इंडिया की बेस्ट फैकल्टी है मैथमेटिक्स के अंदर। रिवीजन बेस्ट टाइम अर्ली मॉर्निंग, कभी रिवाइज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बारकोड नोट्स आ जाएंगे कल परसों आपके पास, बारकोड नोट्स बेटा पूरे डिटेल में है। हर सब्जेक्ट एग्जाम से पहले कितनी बार रिवाइज होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, बेटा रिवीजन बोला हुआ ना, रिवीजन आपका एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, रोज रोज करते जाओगे। नोट्स कहां से मिलेंगे, नोट्स मेरे ग्रुप से मिलेंगे, नोट्स यू विल बी गेटिंग फ्रॉम माय ग्रुप्स। एसएससी जे में आप दोगे, आप पढ़ाओगे, एसएससी जे में पढ़ा रहा हूं ना बेटा, एसएससी जे में तो मेरा एक कोर्स लॉन्च भी हो गया बीएमसी का, कल एक नया कोर्स लॉन्च हो रहा है, कल एक नया बैच लॉन्च हो रहा है एसएससी जे का। सर विच इज द बेस्ट आईआईटी फॉर डूइंग एमटेक इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, बॉम्बे से उठाना, आईआईटी पवई से। सो माय सिंसियर अपील, माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी गेट को टारगेट कर रहे हैं 2023, ईएससी को टारगेट कर रहे हैं 2023, एसएससी जेई को टारगेट कर रहे हैं जो भी नवंबर में हो रहा है वाला है, इन सब के लिए लास्ट कॉल है। इन सारे एग्जामों के लिए कल बैच लॉन्च होने जा रहा है, परसों नहीं 30th से प्राइस हाइक भी आने वाली है। अभी मेरे ख्याल से 33 से लेकर 25% तक ऑफ मिल रहा है, सो यू कैन गो फॉर द सब्सक्रिप्शन एट दिस वेरी मोमेंट ओनली। सर थ्योरी तो ठीक है, न्यूमेरिकल काफी बार नहीं आते, सेम जो आपके नोट्स में दे रखा है एग्जैक्टली वही करना है। सर प्लीज वो जो आरसीसी का कोर्स लिंक कर दीजिए, शो नहीं हो रहा अभी, कोर्स लाइव ही नहीं हुआ, कोर्स लाइव नहीं हुआ, इतनी जल्दी लाइव नहीं हो जाता है कोर्स। कोर्स लाइव होगा आपके लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, शेयर कर दूंगा ना मैं, कहां जाऊंगा, जैसे लाइव होगा आई शेयर दैट। आज मैंने सबमिट किया कोर्स पेज, लाइव हो जाएगा, उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, वो आज ही पूरी हुई है शाम को, तो भी एक्टिव हो जाएगा, मेरे ख्याल से हो भी चुका होगा, जाके चेक करना या कल सुबह तक हो जाएगा। मेरे क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, ऐप पे मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है ऐप पे मेरे। इरिगेशन मैराथन का रिमेनिंग पोर्शन अभी स्टार्ट हो जाएगा यार, 10 घंटे क्लास चल रही है मेरी रोज, अभी थोड़ा फ्री हो जाऊं मैं, फिर मैं चालू कर दूंगा, देन आई विल स्टार्ट द क्लास। इतने मैसेजेस। अभी एसएससी का फॉर्म आ गया क्या? नहीं अभी नहीं आया है। कभी कभी जो थ्योरी अच्छे से पढ़े होते हैं क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाता, दुख होता है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, एकदम से नहीं कर पाओगे। एक दो बार थ्योरी पढ़ने से आप डायरेक्टली ईएससी या गेट या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लेवल के सवाल नहीं बना पाओगे। 10 आवर्स का एक एग्जाम्पल लेके स्टडी टाइम, बेटा सबका ये पर्सनलाइज चीज है, स्टैंडर्ड चीज नहीं होती है ये, इट इज नॉट स्टैंडर्ड। जिन लोगों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो लोग क्या करें, मैंने सारे सब्जेक्ट फ्री में करा रखे नील पटेल। जिन लोगों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं है उन लोगों के पास अवेयरनेस तो होनी चाहिए। तो नील पटेल बोल रहा है सर जिन लोगों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं है उनके पास क्या होनी चाहिए, उनके पास अवेयरनेस होनी चाहिए। उनके पास अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि जसपाल सर ने फ्री में सारे सब्जेक्ट करा रखे हैं, फ्री कंटेंट दे रखा है, फ्री कंटेंट, तो हम यहां से तो पढ़ सकते हैं, और क्या चाहिए। तो इतनी अवेयरनेस तो रखो। सारे नोट्स अवेलेबल हैं, क्लासेस भी हैं प्लस नोट्स भी हैं, बताओ और क्या चाहिए। एनवायरमेंटल का गेट स्कोर इक्वल बेनिफिट देता है, एनवायरमेंटल साइंस का गेट स्कोर ज्यादा बेनिफिट देगा, इसके ऊपर भी एक सेशन लिया हुआ है मैंने, ओवर दिस आल्सो आई हैव टेकन वन सेशन। तो एनवायरमेंटल साइंस का जो आपका गेट स्कोर है वो ज्यादा बेनिफिट निकाल के देता है आपको, इट विल गिव यू मोर बेनिफिट।
यस सर, मैंने पहले स्पेशल पढ़ाया, प्लस पे आ गए। सर मैं एसएससी के लिए सिर्फ प्रिपेयर कर रहा हूँ, यूट्यूब से स्टील एफएम बचा है। बहुत बढ़िया बात है, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ईयर्स में एसएससी दे सकते हैं इस बार, थर्ड ईयर में एसएससी। बेटा भी नोटिफिकेशन नहीं आई, उसके हिसाब से पता चलेगा। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम फॉर स्टडी, नाइट और अर्ली मॉर्निंग? बेटा ये आपकी बॉडी के हिसाब से है ना, सबके लिए सेम नहीं होता। ये चीजें स्टैंडर्ड नहीं होती और ये चीजें सेम नहीं होती सबके लिए। स्ट्रेटेजी फॉर एआई आर अंडर 100, ये लिखी हुई ना स्ट्रेटेजी आपके सामने, ये पीछे स्ट्रेटेजी लिखी हुई है। ये स्ट्रेटेजी है फॉर एआई आर अंडर 100, एआई आर अंडर 10। अब नोट्स पढ़ रहा हूं, बिल्कुल नोट्स पढ़िए। माई गेट 2022 रैंक इज 1333, शुड आई प्रिपेयर फॉर बोथ एसएससी जेई और गेट? बेटा गेट के लिए तैयारी करोगे, एसएससी जेई हो जाएगा प्रवीण, और 1300 रैंक सही है। इस बार और इंप्रूव कर सकते हो, इस बार आप और अच्छी रैंक ला सकते हो, 100 के अंदर अंदर रैंक आ जाएगी अगर थोड़ा सा सिंसियरली पढ़ लिया। बारकोड नोट्स आरसीसी के आ जाएंगे, कल या परसों दे दूंगा मैं बारकोड नोट्स। लगभग बहुत सब्जेक्ट हो गए, रिवीजन इतना अच्छा नहीं है, तो रिवीजन की स्ट्रेटेजी ये रही हमारी, दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर द रिवीजन, ये स्ट्रेटेजी हमारी रिवीजन की। सर पढ़े सब कुछ रहते हैं लेकिन एग्जाम टाइम में होपलेस क्यों हो जाते हैं? एग्जाम टाइम में होपलेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम प्रैक्टिस नहीं होती है, एग्जाम की प्रैक्टिस नहीं की हुई होती हमने, उसके लिए टेस्ट सीरीज लगानी पड़ती है, फॉर दैट टेस्ट सीरीज टू बी अप्लाइड। अनअकैडमी हार्ड नोट्स बिल्कुल मोर देन सफिशियंट है, अनअकैडमी के हार्ड नोट्स। चलिए सफिशियंट जानकारी दे दी मैंने, तो बॉटम लाइन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये पीक टाइम है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो गेट या एसएससी जेई के लिए। कल से दोनों के लिए बैच लॉन्च हो रहे हैं, एसएससी जेई का भी लॉन्च हो रहा है, गेट ईएससी का भी लॉन्च हो रहा है। दोनों बैच में मैं सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, एसएससी में बीएमसी स्टार्ट कर रहा हूँ और गेट ईएससी में आरसीसी स्टार्ट कर रहा हूँ। आपका गेट ईएससी के 6 सब्जेक्ट में करा दूंगा आने वाले 6 महीने में, बचे हुए 6 सब्जेक्ट में करा चुका हूँ, लेक्चर्स अवेलेबल है, रिकॉर्डेड, आप उसको देख सकते हो। अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे, 8 से लेकर 10 घंटे पढ़ोगे, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। सारे नोट्स मेरे ग्रुप पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उनको एक्सेस कर सकते हो। कम से कम 6-7 सब्जेक्ट मैंने स्पेशल क्लास और यूट्यूब क्लास में ले रखा है, वो भी फ्री है, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हो, यू कैन एक्सेस दैट ऑल्सो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पर नहीं मिलता, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक के लिए मुझे टेलीग्राम पे ही मैसेज करो, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन करा दूंगा। क्लियर है?